हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भाई बहन साथ हैं उनके लिए भी, जो साथ नहीं हैं दूर रहते हैं उनके लिए भी। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जिनके भाई नहीं आते हैं या जिनकी बहनें नहीं जाती है, तो क्यों दुख मनाते हो? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डाल डाल के सैड फील क्यों करते हो? और कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा बुरा लगेगा, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। रक्षाबंधन साल में एक बार रखता है। जब राखी बांधते हैं भाई, पैसे देते, गिफ्ट देते, जो भी देते हैं एक बार देते हैं। लेकिन जो पति होता है वो हमारे लिए रोज दाल चावल सब्जी रोटी घर का साबुन सर्फ सब ख़त्म होने पे, बच्चों की फीस एडमिशन, उनकी रोज की किताबें पेंसिल सब देता है ना। एक दिन ना दे तो घर में लड़ाई हो जाती है ना। घर में लड़ाई है, हम किसको फ़ोन करते हैं? मम्मी या तो अपने क्लोज फ्रेंड को फ़ोन करते हैं या भाई को कॉल करते हैं। भाई कितनी बार ला के देगा तुम्हें? एक बार, दो बार, चार बार, उसके बाद किसको लाना है? ठीक है, भाई नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उदास मत हो। जितना टाइम अच्छा था आप लोगों का उसके साथ बीत चुका है, यादों को रखो, ऐसा नहीं है तोड़ के फेंक दो। बट अगर आपके ननंद है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आप जाइए और जाके ननंद के घर जाइए, बच्चों को लेके जाइए, पति भी खुश, बच्चे भी सीखेंगे इससे, सासू माँ भी खुश, ससुर भी खुश, आप भी खुश। ऐसा नहीं होगा कि आपको हाँ अगर मेरा भाई भाभी नहीं आए तो बस ख़त्म कहानी। नहीं, आप बहुत लकी हो अगर आपके ननंद हैं तो। आप जाइए एक बार, खुद जाके देखिए कितना अच्छा है वहाँ पे। ठीक है, मेरी बात तो से बहुत बुरा लगेगा सबको, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ। शायद अभी रक्षाबंधन पे बहुत सारी औरतें अपसेट होंगी, हाय मेरा भाई पहले नहीं आता था, पहले आता था, अब नहीं आता है, अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो सब चीज़ों को छोड़ दो, बस जिसको भगवान से प्रेयर करनी है ना वो वहीं से दूर करो कि मेरे भाई भाभी बच्चे सुखी रहे, मेरे साथ ना सही वो उनके परिवार में खुश रहे, वहीं से उनका काम चलेगा और आप लोगों का मैडमों अपने पति से काम चलेगा। कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं है। अपने घर पे ध्यान दो, अपने पति पे दो, अपने बच्चों पे दो। ज़्यादा याद आई कुछ मत करो। आपके लड़का तो होगा, लड़की होगी, बच्चे होंगे, उनको राखी बांध दो। इतनी खुशी मिलेगी मैं बता नहीं सकती। सबसे बड़ी बात क्या है कि श्री कृष्णा को राखी बांध दो। कान्हा आपका सबसे बड़ा भाई है, अगर कुछ देगा आपको जिससे आपका घर चलेगा, परिवार चलेगा, खुशियाँ चलेगी, श्री कृष्णा देंगे। ऐसा नहीं है देंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, शिव जी, माता रानी, सब अपने भाई हैं। एक बार अपना ये इस चीज़ से बाहर निकल के देखो, पुरानी यादों को छोड़ दो, जो कुछ हो गया हो गया। मेरे हस्बैंड ने पिछली बार मैंने ये लिखा था, स्टेटस लगाया था, कुछ नहीं रक्षाबंधन होता और भाई ऐसा दूर से प्यार बना रहे यही बहुत होता। तो मेरे पति ने पता मुझे क्या कहा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि ये बात तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बोलो, तुमको लोग गालियाँ देंगे। अब गाली दो या कुछ दो, घर तो कोई देने से रहा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है, अपने पति से काम चलेगा भाई, किसी से नहीं चलता, ठीक है। अपने पति के बन के रहे,
भाई क्या करेगा, कुछ नहीं, 1 महीने में 2 महीने 4 महीने तुम्हारा साथ दे सकता है। जब तक साथ देगा, जब तक उसकी वाइफ नहीं होती तुम्हारी केयर करेगा, जब तक तुम्हारे बच्चों को अपना मानेगा, जब तक उसके खुद के बच्चे नहीं होता है, होते हैं ठीक है, लेकिन जब से उसके खुद के बच्चे होने हो जाएंगे तो बच्चों में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उनका पिता है ठीक है। और आप क्या करोगे कि अच्छा नहीं, जो भी अपने घर बैठी हैं इस आस में कि घर वाले दे रहे हैं, नहीं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, सांसें सबकी होती हैं ठीक है, सभी चीज़ों से संघर्ष करके ये कुछ टाइम तक होता है। जब अपने बच्चे छोटे हैं 2-3 साल 5 साल 10 साल में जैसे ही आपका बच्चा लगेगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कोई आपको घर पे कुछ नहीं करने वाला है, बराबर के बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इस बीच हमें क्या करना है, खुद को इतना कंट्रोल करना है कि नहीं, मायके तो जाओ ही मत। मायके वाले जो होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं ना कि लड़की कैसे है, क्यों दुखी हो गई, बहुत परेशान रहते हैं। नहीं, उनको टेंशन मत दो, अपने घर पे रहो, आज नहीं तो कल, अब तक पति चेंज होना है, ये मुझसे लिख के ले लो। पति ज़्यादा गुस्सा करे उसके साथ बोलो ही ना, वो बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, हम जवाब देते हैं, फिर और लड़ाइयाँ होती हैं और झगड़े होते हैं और सब कुछ होता है ठीक है। कुछ नहीं करो, गुस्सा आए उसको कंट्रोल करो, देखते रहो ठीक है, जब वो कह क्योंकि अपने आप बाहर निकल जाएगा, सब सही हो जाएगा। चलो खैर, राफ्टी के ऊपर टॉपिक था ये तो। भाई दोस्तों, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, अपने भगवानों के साथ मनाओ, अपनी नंदों के जाओ, इंजॉय करो, जो रियल भाभी होंगी वो तो कभी अपनी ननंद को दूर होने ही नहीं देंगी ठीक है, और जो होंगी ऐसे ही उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो कहती है मत जाओ, क्या करोगे जाके, वो नहीं आ रही है ठीक है, तो परिवार वालों की अगर बांध दो, परिवार वालियों के से राखी बंधवाओ, भाई सारी बहनें अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़ देती हैं, अगर तुम्हारे राखी के धागे में इतनी ही ताकत है ना भाई भाभी हो, तो उन परिवार वाली लड़कियों से ज़मीन का हिस्सा लेके दिखाओ, इतनी हिट तक नहीं देंगी ठीक है। तो वीडियो भाई मेरे को नहीं पता कैसी बनी है कैसी नहीं है, बट अपने भगवानों के साथ राखी बांधो, अपने पति के साथ अपनी नंदों धो के जाओ, भूल जाओ तुम्हारा भाई आ रहा नहीं आ रहा ना, मैटर नहीं करता, तुम जाओ ठीक है, अपनी नंदों धो के जाओ, खुश रहो सारे मिलकर ओके, बाय, हैप्पी रक्षाबंधन, जय श्री शाम।